रायबरेली के सरेनी से मामला आ रहा। हम आपको बताएं कि सरेनी में एक पीड़िता ने एक आरोप लगाया है कि उसको साथ में कुछ लोगों ने रेप किया है। हम आपको बताएं कि पूरी घटना कहां की। मामला सरेनी थाना क्षेत्र के एक गाँव का है। गाँव निवासी एक युवती ने गाँव में रहने वाले युवक गौरव और महेंद्र अभय विंदा शरण के ऊपर रेप का आरोप लगाया है। हम आपको बताएं कि युवती का कहना है कि वो अपने खेत में जा रही थी, जहां पर पशुओं को खदेड़ने आगे पुलिया पर गई, वहां पर बैठे पहले से लोगों ने उनके साथ में बलात्कार किया है। इसको लेकर 100 नंबर को भी सूचना दी गई है और पुलिस को अप्लीकेशन भी दिया गया। हम आपको बताएं कि रायबरेली के सरेनी से पूरा मामला आ रहा है। क्या कहा पीड़िता ने और उसकी माँ ने, सुनिए आप भी। हरियाली कर रहे थे खेत में, उसी समय दूसरे वाले खेत में देखे कुछ जानवर आए हैं। अपने लड़की से बोला बेटा खेत आओ दूर थोड़ा सा, नहीं फिर आ जाएंगे घर चले जाएंगे हम। तो लड़की खेत ले गई और लड़की खेत से बाहर जानवर उधर खेलने गए थे। हम ये तो कुछ लोग बैठे थे, उन्होंने लड़की के साथ बहुत बुरा हाल किया। उसके बाद जब लड़की चीख सुन के हम आए तो देखा ये हाल, तो हम बोलने लगे, गाली देने लगे। फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, गाली देने लगे। तो फिर जल्दी से घर गए, दो गाड़ी भेज के दो लोगों को, अपने परिवार के और मम्मी का और एक लोग को और बुला के लेके आए, और फिर औरतों लगा के और खुद ला के फिर इतना हम दोनों लोग को पीटा गिरा कि जैसे जानवर को पीटे। होने की अगर किसी से साथ लेंगे बुलाओ पुलिस, घर में घुस के फिर बोले मारेंगे। मामला ये कि हम दरअसल अपने खेत में मम्मी के साथ खेत गए थे और वहाँ हरियाली कर रहे थे। खेत में तीन चार जानवर थे तो मम्मी ने कहा कि जानवर जो है उधर बाग व्यापार करवा दो, नहीं वो चले जाएंगे तो फिर नुकसान कर दिया है और ये झांकर लगा दो। तो हम जानवर सारे बाहर निकालने के लिए यहाँ से वहाँ गए, सारे जानवर रोड उस पार करवा दिए, वापस आ रहे थे। तो पांच लोग तक, चार पांच लोग जो है वहाँ पे बैठे हुए थे पुलिया पे, उसमें से एक थे अभय, एक गौरव थे, दो तीन लड़के अननोन थे, इनको हम जानते नहीं थे। वो गाड़ी पे बैठे हुए थे, उल्टा सीधा कमेंट करने लगे। तो हमने कहा भी रुको मम्मी को बुला रहे हैं। तो उन लोगों ने जो है जबरदस्ती आए, मेरा हाथ पकड़ लिए, उसके बाद जाकर मैंने जाके मेरे साथ गलत काम किया। उसके बाद जब मम्मी को हम यहाँ से छूटे तो भाग के मम्मी के पास गए, मम्मी को बुलाया तो मम्मी के भाई लड़ने लगे, गाली करो तो मम्मी को मारा, हमको दोनों लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा।